खराब है, शायद उतनी तेज या तीव्रता से आवाज नहीं आएगी जितना आप लोग सुनना चाहोगे। गला खराब है पर जोश आई है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंचे। आज का जो शुभ समाचार था वो आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, तो यहीं से हमने मोरली जो जीत है, वैचारिक जीत हमने यहीं से हासिल कर ली। मैं मेरे छोटे भाई मोती सिंह जोधा का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश काल परिस्थिति को देखते हुए जो समय की मांग के अनुसार जो निर्णय लिया है, उनके उस निर्णय के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैं ही नहीं बल्कि जितने भी लोग जो इस चुनाव की नजर तरफ अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे, वो सर्व समाज के लोग भी आज उनके ऋणी है। मैं भी उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, 26 तारीख को चुनाव होने हैं और हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है, 48 घंटे। आज का दिन हम व्यतीत कर लेंगे पर उसके अलावा हमारे पास कल और परसों का ही समय है। 26 को पोलिंग होनी है, 8 से 1 बजे तक पोलिंग रहेगी और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। इन 2 दिनों में आप ऐसा क्या करेंगे कि 27 तारीख को जब चुनाव का परिणाम आएगा तब वो हमें सुकून देगा। हम एक दूसरे को बधाइयां दे रहे होंगे, उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। राजनीतिक विचारों में अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझें, ये पहला उसूल है। भले ही यहाँ के चुनाव की जो भी व्यवस्था हो, यहाँ का चुनाव जिस किसी भी व्यवस्था पर लड़ा जाता हो, भले ही 2 प्रत्याशी एक समाज से हो, 1 प्रत्याशी अलग समाज से हो, जब तक जीत मिले नहीं तब तक बैठो नहीं। इस सोच के साथ काम करोगे तब तो हमें 27 तारीख को विजयश्री अवश्य वरण करेगी। और आज के युवाओं से खासतौर पर यह अपील जरूर है, ये चुनाव छात्र संघ का या अरविंद सिंह का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप सब लोगों का चुनाव है। इस चुनाव में आपको अपना नेता चुनना है, वो नेता चुनना है जो वैचारिक रूप से श्रेष्ठ हो, जो वैचारिक रूप से योग्य हो, जो स्पष्टवादी होकर आपकी बात आगे रख सके, जो अगर सिस्टम से लड़ना पड़े तो लड़ सके। अगर ये सब बातें उसमें हो तब आप उसके लिए अपना चयन करें, उसके लिए अपना वोट करें। जब कल नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे, बैठे हो आप लोग, मैं जानता हूं, पर कल जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे, एक राष्ट्रीय संगठन के प्रत्याशी के पास एक बड़े बुजुर्ग का जिस प्रकार से जो किसी समाज को लेकर टिप्पणी आती है वो बेहद निंदनीय है। आदर्श समाज में इस प्रकार की टिप्पणियों की कहीं कोई जगह नहीं है। खास तौर पर अगर मैं भी क्यों ना हूं, अगर मैं भी आपको धर्म जाति व्यवस्था पर लड़ाने का प्रयास करूं तो आप मेरा भी प्रतिकार करिए, मुझे भी मना कीजिए कि नहीं आप गलत कर रहे हो। नेता का अर्थ वो होता है जो सबको साथ लेकर चले, जो नेतृत्व दे सके। हम इस प्रकार से छोटी सी सोच के, संकुचित सोच के साथ अगर एक दूसरे को बांट रहे हैं तो ये गलत है। आप लोग छात्र हो और छात्र की कोई जाति नहीं होती। विश्वविद्यालय में जब आपको कोई प्रोफेसर पढ़ाते हैं तब चाहे किसी भी समाज का हो, सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है, न कि आपका जाति देखकर कि कौन किस जाति से उसको उतना ज्ञान मिले। जब वहां फर्क नहीं है, इसका मतलब उस परिसर में हम सब सेम ट्रीटमेंट के अंडर आते हैं, हम सबको एक जैसी ही सेवाएं मिलती है। तो खास तौर पर इस बात का ध्यान रहे कि इन 2 दिनों में हम किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर किसी को भी कुछ नहीं कहें। ये चुनाव तो 2 दिन से खत्म हो जाएगा पर आपके जो निजी रिश्ते हैं,
आपका जो व्यवहार है कहीं ना कहीं उन पर वो धब्बे छोड़ देगा। आपका भाई साथी किसी भी समाज से हो, वो ये कहेगा कि इस आदमी की प्रवृत्ति ऐसी है। तो खास तौर पर आपसे मैं ये अपील करता हूं कि महज एक चुनाव को लेकर अपने रिश्ते खराब नहीं करें। महज एक चुनाव को लेकर अपनी, आप लोग वो लोग हो जो कल के भारत की दिशा और दशा तय करोगे। आप लोग वो लोग हो जो कल इस देश की नींव बनकर इसके ऊपर एक बड़ा महल तैयार करोगे। इसलिए ज्ञात रहे कि 26 तारीख तक आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्तव्य है, उसको चुनते हुए 26 तारीख तक अरविंद सिंह बनकर लग जाए, 27 तारीख को अरविंद सिंह आप बनकर हमेशा आपके लिए खड़ा रहे। आज 3 प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर चुनाव में है, तीनों छात्र संगठन से लड़ रहे हैं चुनाव। मेरे संगठन, मेरे पैनल से मेरे दो साथी भी यहां विराजे हैं, उनके भी मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। साथ ही आप लोगों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय संबंधी जब कभी भी भविष्य में कोई काम पड़े, आप इस भाई को याद करना, आपको भाई आपका हमेशा आपके लिए तैयार मिलेगा। अरविंद सिंह जिंदाबाद, अरविंद सिंह जिंदाबाद, अरविंद सिंह जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये चुनाव सिर्फ आज या कल का या एक साल के कार्यकाल का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव आपके द्वारा चयन होने वाले एक नेता का चुनाव है, जो आज से कुछ सालों बाद आपके क्षेत्र या इस प्रदेश या अपने राष्ट्र के लिए भी नेतृत्व करता दिख सकता है। और कल को अगर वो नेता ढंग का निकला, अच्छा निकला और जिसने मान सम्मान बढ़ाया, तो आज से कुछ साल बाद आप भी गौरवान्वित होगे, अपने साथ बैठे युवा साथियों से कहोगे कि ये वो भाई है जिसको उस वक्त हमने जिताया था, हमने सहयोग किया था, ऐसी भावना आपको। सारी चीजें सोच विचार के निर्णय लेना, अपना एक वोट पीछे नहीं रहे ये सोचना, और सारी चीजें सोचने विचारने के बाद जिनके लिए, जिन विरोधियों के लिए वोट की चोट करना है, उसके लिए आप मेरे साथ खड़े रहना। आपसे यही दरख्वास्त है, आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। 26 तारीख को चुनाव होने हैं, उसमें आप मेरे साथ खड़ा रहकर कंधे से कंधा मिलाएंगे। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। अरविंद सिंह जिंदाबाद, अरविंद सिंह।